हाय आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं रामदारायण। दोस्तों एक बार की बात है, दो युवा पोलर बियर अपनी माँ की देखरेख में बड़े अच्छे से अपने दिन को काट रहे थे। एक दिन माँ ने ऐलान कर दिया कि अब तुम लोगों को अपनी भोजन की व्यवस्था खुद करनी होगी और दूसरे दिन उन्हें छोड़ करके चली गई। अब दोनों युवा पोलर बियर भूख के मारे तड़पने लगे और जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए कि कोई सील वहाँ से आएगी उस पानी में से और उन्हें पकड़ के खाएंगे। पर समय धीरे धीरे गुजरा, कोई सील पानी में नज़र नहीं आई। एक पोलर बियर ने पानी को जाकर के छुआ तो देखा पानी बहुत ठंडक है, तो दूसरे पोलर बियर ने कहा कि ऐसी गलती मत करो। पर पहले वाले पोलर बियर ने नहीं माना और पानी में कूद गया और खाली हाथ वापस आया, कपकपा रहा था। दूसरे वाले पोलर बियर ने कहा कि मैंने कहा था ना कि पानी में मत जाओ, पर तुमने नहीं माना, अब भुगतो। पर पहले वाले पोलर बियर को तो जुनून ही था, वह नहीं माना, दोबारा पानी में कूद गया। पर दूसरे बार भी वह खाली हाथ ही लौटा। दूसरे वाले पोलर बियर ने कहा कि मैं बार बार मना कर रहा हूँ पर तुम नहीं मान रहे हो, भीगो और ठंडक में भुगतो। पर पहले वाले पोलर बियर तो बिल्कुल माना ही नहीं और फिर पानी में कूद पड़ा और जब निकला तो हाथ में एक सील को लिए हुए वापस बाहर आया और चाव से खाया। और उस रात दूसरे पाल पोलर बियर ने भूखे पेट सोया और किस्मत को दोष देते रहा कि हमारी किस्मत बहुत ख़राब है। पहले वाले पोलर बियर जब भी ज़रूरत पड़ती ऐसे पानी में कूद जाता, पर दूसरे वाला पोलर बियर हमेशा किस्मत को दोष देता ही हुआ भूखे पेट सोना पड़ता। दोस्तों जब हम संघर्ष करेंगे, हिम्मत रखेंगे और रिस्क लेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।